हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं SS टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल। हमारे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आपका भी खाता एक्सिस बैंक में है तो आप चाहें तो एक्सिस बैंक के डेबिट कार्ड के ऊपर अपना या फिर अपने घर के किसी भी सदस्य का फोटो लगवा कर उसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो इसे कैसे करना है चलिए देख लेते हैं। तो एक्सिस बैंक का पर्सनलाइज डेबिट कार्ड अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमें अपने मोबाइल में एक्सिस मोबाइल अप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। यहाँ ऊपर में लॉगिन पर क्लिक करेंगे, इसमें अपना लॉगिन पिन डालकर लॉगिन हो जाएंगे। यदि हम पेज को ऊपर खिसकाते हैं तो यहाँ पर देखिए और भी बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जिनमें से यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है सर्विसेज। हम इस सर्विसेज में क्लिक करेंगे। यहाँ सर्विसेज के अंदर भी बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जिनमें से यहाँ नीचे में देखिए एक ऑप्शन है कार्ड एंड फॉरेक्स, इसमें क्लिक करेंगे। यहाँ देखिए चौथे नंबर पर दिया है गेट पर्सनलाइज कार्ड, इसमें क्लिक करेंगे। यहाँ लिखा है माई डिजाइन ईमेल डेबिट कार्ड और नीचे में एक सैंपल दिया है, यानी हम यहाँ से जो पर्सनलाइज डेबिट कार्ड ऑर्डर करेंगे वो इसी तरीके का आएगा। डेबिट कार्ड के ऊपर नंबर, नाम, वैलिडिटी ये सब तो रहेगा ही, और उसके अंदर में यानी बैकग्राउंड में हम जो भी इमेज लगाएंगे वो इमेज छपा रहेगा। यहाँ लिखा है अप्लाई और नीचे लिखा है इंटर लास्ट फोर डिजिट ऑफ योर डेबिट कार्ड, यानी हमें यहाँ पे अपने डेबिट कार्ड का लास्ट का 4 अंक डालना है, और नीचे में हमें डालना है अपना मोबाइल नंबर। यदि किसी ने रेफर किया है तो रेफरल कोड यहाँ पे डालना है, नहीं तो इसे छोड़ देना है। उसके बाद इस कैप्चा को यहाँ पे डालना है। ये सब डिटेल डालने के बाद यहाँ पर इसका टर्म्स एंड कंडीशन है, इसमें हमें चेक मार्क कर देना है। उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर इमेज लगाने के लिए बोला है कि आपको इमेज कौन सा लगाना है, तो आप चाहें तो इनमें से कोई भी इमेज लगा सकते हैं, जैसे ट्रेवल का, नेचर का, या फिर इंडिया में जो भी फेमस प्लेस हैं उनका लगा सकते हैं। नहीं तो लास्ट में देखिए एक ऑप्शन है अपलोड, यदि हम इस पर क्लिक करते हैं उसके बाद यहाँ नीचे में ऑप्शन खुल जाएगा कैमरा और फाइल का। तो हम यहाँ फाइल को सिलेक्ट करते हैं, जो भी फ़ोटो हम लगाना चाहते हैं उस फोटो को यहाँ से हमें सेलेक्ट कर लेना है। चलिए इस फोटो को हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर प्रीव्यू आ चुका है कि हम जो डेबिट कार्ड मंगाएंगे उसका डिज़ाइन कैसा होगा। फोटो को आप यहाँ से इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं कि आपको फोटो कैसे लगाना है। देखिए इस तरह से हम अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ नीचे दिया है डन, इस पर क्लिक करेंगे। यदि हम फोटो वाला डेबिट कार्ड मंगाते हैं तो हमें 250 रुपये प्लस GST देना पड़ेगा। यहाँ नीचे लिखा है एस कन्फर्म, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ दिया टोटल अमाउंट 295, यानी 250 रुपया प्लस उसमें GST लगाकर टोटल हो गया है 295। अब यहाँ नीचे लिखा है गेट OTP, इस पर क्लिक करेंगे और ये 295 रुपये हमारे सेविंग अकाउंट से डेबिट हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे हमें OTP डालना है, यहाँ पर हमने OTP डाल दिया है। यहाँ नीचे में इसका टर्म्स एंड कंडीशन है, इसके चौकोर बॉक्स में इस तरीके से हमें चेक मार्क कर देना है। उसके बाद फाइनल हम यहां पे सबमिट पे क्लिक कर देंगे। तो आप देख सकते हैं ऑर्डर सक्सेसफुली हो चुका है और यहां पे इमेज कोड दिया है। योर डेबिट कार्ड विल बी इशू पोस्ट सक्सेसफुली, हमारे बैंक अकाउंट में जो एड्रेस है उसी एड्रेस पे बाई पोस्ट 7 से 10 दिनों के अंदर हमारा ये फोटो वाला डेबिट कार्ड पहुंच जाएगा। जब हमारा फोटो वाला डेबिट कार्ड हमारे घर पर पहुंच जाएगा तो उसका अनबॉक्सिंग करके मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि वो फोटो वाला डेबिट कार्ड कैसा है। तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो मिलते हैं इसी प्रकार की एक और ज्ञान वाली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।